Hello. You might be wondering, would a title card like that have to do with a guy like this? Well, truth be told, nothing and everything. But before we move on to our friend here, let's take a walk down memory lane. दुनिया के हर खेते में एक खास मशरूब है जो उनकी नुमाइंदगी करता है। यूरोप में मीट से लेकर तुर्क सुल्तानों के लिए कॉफी और चीनी शहनशाहों के लिए लॉन्ग जिंग चाय। ताहम बरेसगीर एक दिलचस्प मामला था। गर्मी के इन दिनों में इनके पास ठंडा मशरूब यकीनी तौर पर लस्सी था। लेकिन दिसंबर की इन सर्द शामों का क्या हो, सितम ज़रीफ़ी ये है चाय का तारुफ। एक अंग्रेज मिस्टर आर्थर ब्रुक, जिनका ताल्लुक ब्रुक बॉन्ड कंपनी से था, उन्होंने बरेसगीर में कराया। अंग्रेजों को चाय के महाज पर चीनियों से लड़ने की जरूरत थी। आसाम के इलाके में इन्होंने सोने को मारा जब इन्हें एक जंगली लेकिन चीनियों के इस्तेमाल करदा इसी चाय की पत्तियों की बेहतर किस्म मिली। बड़े पत्ते और काश्त करना आसान, ये फ़ायदा उठाने का बेहतरीन मौका था। मुग़ल बादशाहों के दरबारों से लेकर आपके औस्त गाड़ी खींचने वाले तक जल्द ही सब एक अच्छी गर्म चाय का मज़ा लेने लगे। लेकिन ये तो पुराने वक्तों की बात थी। आइए हमारे मोहल्ले के मशहूर ढाबे पर चलते हैं और वहाँ मौजूद लाला जी से कुछ गुफ्तगू करते हैं। चाय एक आदत है, हैबिट है हमारी, जैसे एक जिस तरह कहते हैं कि लत लगी हुई है चाय पीने की, बचपन से है, आज से नहीं है। चार चाय जो है ना लाजमी पीते हैं, तीन चार लाजमी। लोग बोतल पीते हैं, लस्सी पीते हैं, लेकिन हमारा चाय के बगैर। आइए देखते हैं कि आज का पाकिस्तानी चाय के बारे में क्या सोचता है। मैं थकी होती हूँ तो मेरी थकावट खत्म हो जाती है चाय की वजह से। चाय इज लाइक माय एवरीडे ड्रिंक। वो आचा हूं, कम आचा हूं, नो पत्ती आचा हूं या चीनी और आचा हूं। मुझे हर आधे घंटे बाद चाय की जरूरत होती है। जैसे क्लाउ खटेगी ना और रंग कलर रावड़ी नो बिया दूध और आचा। सर्दियों में मैं 3-4 कप्स पीती हूं, रात में, शाम में, दोपहर में और सुबह। चाय ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए या चाय जिसके साथ पी जा रही है वो अच्छा होना चाहिए? नहीं, चाय अच्छी होनी चाहिए। नो वो कहना बात चलो शांति, जैसे 5-10 मिनट देगी और चाय फटेगी, नो बिया डिन जाऊँ, बिया कहना बात लग शांति बिया आप शेयर दो, नो बस चाय रेडी शो किया। चाय फुल जागता नहीं है ऐसे लगता, जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी आई एम नॉट फुली फंक्शनल, मतलब मेरे दिमाग को फ्रेश होने के लिए चाय चाहिए। ये तो आपने सुनी चाय पीने और पिलाने वालों की कहानी उनकी जुबानी, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। चाय से मोहब्बत का इजहार कुछ लोग शायरी से भी करते हैं, तो आइए सुनते हैं। ख्वाब ज़ीस्त तो जब शाम नज़ा है, आरज़ूए तमन्ना जब टूटी तो सोचा चाय पी लेते, चंद यार जो पुराने मिले, जमाने कॉलेज के दहलीज पर आ पहुँचे तो सोचा चाय पी लेते। न जाने कितने ख्वाबों का जामिन था हाथ में जलता हुआ सिगरे, फिर से जलाओ ऐ यारो चाय पी लेते हैं। वो आंखें वो बातें वो हिजर में गुजरी सभी रातें, वो जफा की अजब शाम जो चाह को ढूंढने में चाहत मिली तो सोचा चाय पी लेते हैं। अब चाय का जाविया इस कदर वसी और दराज है कि उसकी हद फकत मशरूब तक लाहक नहीं बल्कि उससे कहीं आगे है। ये चाय सिर्फ बादशाहों के महलों की जीनत नहीं बल्कि एक गरीब की शाम का सहारा भी है। चाय ना कि एक मशरूब है बल्कि लोगों को मिलाने और जोड़ने का एक जरिया भी है। इस चाय की मानंद आपको एक पुरजोश उम्मीद मिलती है जो कि एक नई सुबह की मानंद है।